हमारे देहात में एक कहावत कही जाती है कि सतसैया के दो हरे जो नाविक के तीर, देखन मां छोटे लगे घाव करे गंभीर। और ये कहावत चाइना और ताइवान के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो जिस प्रकार एक चींटी एक हाथी को परेशान कर सकती है, ठीक उसी प्रकार से एक छोटा सा ताइवान देश चाइना के नाक में दम करके बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आखिर ताइवान इतना ज्यादा निडर होके चाइना का विरोध कैसे कर लेता है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक चीज तो आप बिल्कुल ये जान लीजिए कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया तो चाइना की वो सबसे बड़ी गलती होगी। अब ऐसे क्यों, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि चाइना की वो सबसे बड़ी गलती होगी? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वो चाइना की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि उसके बाद चाइना पूर्णतया बर्बाद हो जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना ने ताइवान के ऊपर कितनी सारी मिसाइलें फायर की, वो भले ही उसके ऊपर से निकल गई लेकिन दोस्तों वो ताइवान के एरिया में ही जाके गिरी। लेकिन कुछ मिसाइलें तो यहाँ तक कि जापान के भी एरिया में गिर गई। अब ऐसे में अगर मान लीजिए चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देता है तो क्या चाइना के उस हमले का जवाब नहीं देगा? बिल्कुल देगा, 100% देगा, और अपनी फुल ताकत के साथ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो चाइना से लड़ाई करेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि उस समय जापान भी चाइना के ऊपर हमला कर देगा। अब यहाँ पे अभी तो सिर्फ एक ही देश था, अब हो जाएंगे दो देश, और चाइना बिल्कुल एक हिसाब से इन दोनों देशों के सामने कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन इस बीच एंट्री होगी सुपर पावर अमेरिका की। अब ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा कि अमेरिका ने अपने 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर अन के बिल्कुल निकट तैनात करके रखा है। अब ऐसे में अगर वो तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान की मदद के लिए चाइना के विरोध में आ गए तो वाकई में चाइना की बैंड बजना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन दोस्तों अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपने थोड़ी सी हिंट देखी, अब बात करते हैं पूरी मूवी के बारे में। ट्रेलर तो आप बिल्कुल देख ही चुके हैं। इस बीच एंट्री होगी एशिया के सबसे पावरफुल देश यानी कि भारत की। इस बीच भारत भी अपना फायदा उठाएगा, जहाँ पे भारत उस पार्ट को चाइना से छीन लेगा जिसे चाइना ने 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया था, और पूरा मौका मेरे हिसाब से होगा भारत को चाइना पर हमला करने। अब ऐसे में दोस्तों अगर 4-4 सुपर पावर देश चाइना के ऊपर हमला करेंगे तो चाइना की तबाही बिल्कुल निश्चित है। और दोस्तों आपको एक चीज पता होगा कि अगर अमेरिका किसी देश में युद्ध में कूद गया तो वाकई में जितने भी नाटो देश हैं वो भी चाइना के ऊपर हमला कर देंगे। इस बीच दोस्तों नाटो देश का भी भार चाइना नहीं संभाल पाएगा। दोस्तों क्या आपको लगता है सच में चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा? मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, और इसी कारण से ताइवान आज चाइना से तनिक भी नहीं डर रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या सच में चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है या फिर नहीं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।